नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं पहले आपको यहाँ पर रफली डिज़ाइन करके मैं बता रहा हूँ कि एग्जिस्ट होता क्या है और इसको पहले रफली देखते कैसे हैं, एंड देन मैं आपको टेक्निकल करके टेक्निकल डेटाबेस पे आपको मैं बताऊंगा। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो एंड देन मैं आपको यहाँ पर ये रफली डिजाइन करके मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन यही है कि द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज अ बूलियन ऑपरेटर दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ओके, इतना आप बस इसको गौर से आप समझना। एंड देन द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज ऑफन यूज टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रोज रिटर्न बाई द सब्स क्वेरी। ये आप इसको ध्यान में रखो। आप देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है, कि ये सिर्फ एक बुलियन ऑपरेटर है। या तो ये ट्रू सेंड करता है, ये ट्रू सेंड करेगा या फॉल्स सेंड करेगा। अगर आपको मैं अगर अभी अभी नेस्टेड क्वेरी जो आपको मैं पिछले टॉपिक में बताया हूँ, और जिसने नहीं देखा है वो अगर नहीं जानते हो वो नेस्टेड क्वेरी के बारे में, सब्स क्वेरी के बारे में, देन पहले आप वो जाओ, वो वीडियो देखो, आप वो समझो, देन यहाँ पर आप आना तो आपको ये अच्छे से सब समझ में आने लगेगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सब्स क्वेरी है, सब्स क्वेरी क्या होती है कि ये जो नेस्टेड क्वेरी है, ये जो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में वेयर क्लॉज के बाद जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं सब्स क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या है कि पहले ये रन होता है, पहले यहाँ से ये हमारी ब्लॉक, ये इतनी ब्लॉक हमारी रन होगी। ओके, ये ब्रैकेट में ये रन करेगा तो ये पहले चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग इसमें जो पूरी स्टार, वो जाकर वो पहले लोकेशन से, दिल्ली अगर लोकेशन रहा तो उतने को वो उठाएगा। अगर यहाँ पर वो लोकेशन अगर नहीं रहा, यहाँ पे अगर ट्रू नहीं, अगर ये लोकेशन यहाँ पे कुछ नहीं, फॉल्स अगर उसने ये करा है, फेच करा है, तो यहाँ पर वो जो एग्जिस्ट का जो ये मेथड है ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं बैंगलोर लिखा रहता और हमारे जो टेबल है, डेटाबेस की जो टेबल है, उसमें बैंगलोर नहीं रहता, उसमें पहले से बैंगलोर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, रिजल्ट नहीं रहती, तो वो क्या करता कि यहाँ पर वो ये जो पूरी क्वेरी जो फायर होगी, यहाँ पे सब्स क्वेरी जो फायर होगी, इसमें से कुछ भी वो तो फेच नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन, एंड देन वो फिर एग्जिस्ट वहां करता ही नहीं है। बस इस तरीके से आप समझो कि वो एग्जिस्ट करता है वहां या नहीं करता। यहाँ पे तो बैंगलोर एग्जिस्ट नहीं करता, दिल्ली है, दिल्ली को मैंने, दिल्ली को मैंने, मेरे हमारे डेटाबेस टेबल में दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ डेटाबेस टेबल में दिल्ली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पूरी टेबल को शो करेगा यहाँ पर। अगर वो नहीं करता है, अगर ये नहीं करता है एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट दिल्ली नहीं करता है, इस टेबल में अगर दिल्ली नहीं रहा, तो यहाँ पर वो बोलेगा कि वहां पे कुछ भी, एक भी रो वो नहीं शो करेगा, एक भी रो शो नहीं करेगा वहां पे, बस बोलेगा जीरो रो, बस बोलेगा जीरो रो और कुछ नहीं बोलेगा। तो यही होती है हमारी एग्जिस्ट। और मैं आपको एक और चीज इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है। ये जो है, ये जो एग्जिस्ट मेथड है या एग्जिस्ट कीवर्ड है, ये जो है ना, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है कि क्या हमारा ये जो सब्स क्वेरी है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी आपको और मैं बात बता दूं कि ये जो है, ये कभी बहुत ही स्लो प्रोसेस ये काम करता है। ये जो होता है, ये जो एग्जिस्ट मेथड जो हम यूज करते हैं या जो सब्स क्वेरी है, ये जो है वो बहुत स्लो काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे कंपेयर करूंगा, जब ये जो इतना जो पोर्शन है, ये जो इतना पार्ट है, जब ये कंपेयर होगा तो ये बार बार चलेगा। ये जो सब्स क्वेरी का जो पार्ट है, जो ब्रैकेट का जो पार्ट है, ये बार बार रीड होगा, एंड देन फिर ये भी चलेगा उसके साथ। तो ये पहली बार जाएगा, वो चेक करेगा कि ये दिल्ली इसमें, इस टेबल में दिल्ली है या नहीं है, लोकेशंस एट्रीब्यूट के अंदर, लोकेशंस एट्रीब्यूट के अंदर दिल्ली है या नहीं है। ये बार बार रीड करता जाएगा, करता जाएगा, और यहाँ पे फिर वो चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है। तो इससे ये क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है ना डेटाबेस का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये हर वक्त आप यूज नहीं कर सकते एग्जिस्ट मेथड को या एग्जिस्ट क्वेरी को। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ एग्जिस्ट होता क्या है, और नॉट एग्जिस्ट भी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जिस्ट के बारे में अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो अब आते हैं डेटाबेस पर, वहां चलते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसकी क्वेरी फायर करके मैं दिखाता हूँ, एंड देन मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है और किस जगह पर ये यूजफुल है ज्यादातर। सॉरी, मैं पहले आपको यहाँ पर मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। हाँ, ये हमारी लोकेशंस की टेबल हो गई। ओके, ये लोकेशंस की एट्रीब्यूट्स, और फिर ये हमारी एम्प्लॉय टेबल हो गई। अब मैं यहाँ पर
आपको मैं एग्जिस्ट का मेथड लिखूंगा, एग्जिस्ट वेयर अब मैं यहाँ पे सब क्वेरी यूज करूंगा और फिर उसमें भी ये लिखूंगा मैं लोकेशन इज इक्वल टू, सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पर दिल्ली, ओके दिल्ली में कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा एज इट इज जो टेबल होता है वही हमारे हमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, वही मैं आपको बताया था कि ये जो एग्जिस्ट मेथड होता है ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स देखता है, दैट्स इट। अगर इसके अंदर वो मैच रहा, अगर इसके अंदर वो डेटा फेच कर रहा है देन वो ट्रू होगा और वो पूरे टेबल को दिखाएगा, शो करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी अगर रिजल्ट नहीं आई है तो वो फॉल्स शो करेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो इसने उठाया नहीं, कुछ इसने कुछ रिजल्ट उठाया नहीं, क्योंकि ये तो फॉल्स हो जा रहा है ना, लोकेशंस के अंदर एक्स वाई जेड है ही नहीं, लोकेशन एट्रीब्यूट के अंदर एक्स वाई या एक्स टी जेड या कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारा जो एग्जिट मेथड है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी रिजल्ट हमें शो नहीं करेगा। तो ये होती है हमारी एग्जिट मेथड कि एग्जिट कैसे यूज करते हैं। नॉट एग्जिट भी यही होता है, नॉट एग्जिट भी यही होता है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉट कर देता हूँ, अब मैं इसको इन्फॉर्मेशन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट है, स्टार है और ये तो लोकेशंस जो है ये क्या, लोकेशंस के अंदर जो वैल्यू है हमारी, रिजल्ट है हमारी एक्स टी वाई, जो कि इसके अंदर है नहीं, इसमें कहीं पर भी नहीं है, ओके तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है नॉट एग्जिस्ट, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है देन वो ट्रू होगा, अगर एग्जिस्ट करता है देन वो फॉल्स होगा, वाइस वर्सा एकदम वो अपोजिट हो जाता है, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट अपोजिट है एकदम। अगर यहां पे मैं क्या करता हूं, सपोज यहां पे मैंने क्या करा कि यहां मैं दिल्ली कर देता हूं, जो कि इस यहां पर है लोकेशंस के अंदर दिल्ली है, अब देखो ये रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जीरो रो शो कर रहा है, रिजल्ट एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट एग्जिस्ट यूज करा है। तो ये होती है हमारी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो अभी मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि पहले तो मैंने एक अपना टेबल लिया और वहां पे मैं एग्जिस्ट मेथड रखा हूं और ये जो है वो सबस्क्वेरी है और ये यूज करने के बाद से हमारा जो भी जो ये मेथड होता है या जो भी हमारा क्वेरी होता है वो स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि पहले ये चलता है एंड देन ये फिर उसके बाद से ये चलता है, हर बार ये चलेगा एंड देन ये चलेगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है डेटाबेस का। तो ये इसकी पहली बार डिसएडवांटेज है। और आप इसको एग्जिस्ट मेथड को हम यूज कब करते हैं, जब हमें एक बार चेक करना होता है कि क्या हमारी वो सबस्क्वेरी काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके अंदर रिजल्ट है या नहीं है, तो इस वजह से हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा हम इसे यूज नहीं करते। एग्जिस्ट मेथड आपने शायद कहीं देखा हो और अगर आपको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो अपनी डिमांड के ऊपर। अब यहां पर क्या है कि मैं यहां पर एग्जिस्ट मेथड यूज कर रहा हूं, नॉट एग्जिस्ट मेथड क्या होता है कि एग्जिस्ट का डायरेक्ट अपोजिट वाइस वर्सा, तो ये हो गए हमारी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके बाय।